आज के वीडियो में हम बात करेंगे हुमायूं के मकबरे की। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस मकबरे से जुड़ी ये दास्तान तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली में लंबे समय तक मुगल शासन रहा है। यहाँ कई ऐसी धरोहरें हैं जो नई नई दास्तानें बयां करती हैं। ये धरोहरें जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही दिलचस्प इनके पीछे की कहानियाँ भी हैं। और ऐसा ही है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। ये मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला मकबरा है। आगरा का ताजमहल भी इसी की तर्ज पर बनाया गया है। मुगल शासक हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के कहने पर पारसी आर्किटेक्ट मीरक मिर्जा गियाथ ने इसकी बनावट का खाका तैयार किया था। मकबरे के चारों ओर बने बागीचे पारसी कला का एहसास कराते हैं। हुमायूं के अलावा मुगल शासकों के परिजनों की करीब 150 कब्र इसी मकबरे में है। इनमें बाबर और इसाक खां का मकबरा भी शामिल है। ये सभी कब्रें हुमायूं के मकबरे के सामने बने बगीचे में स्थित हैं। यूनेस्को ने 1993 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। मुगल साम्राज्य के दो बदकिस्मत बादशाहों को अगर आप याद करें तो शायद आपके दिमाग में हुमायूं और बहादुर शाह जफर का नाम सबसे पहले आए। खैर, बहादुर शाह जफर तो मुगलिया सल्तनत के बुझते चिराग थे। रही बात हुमायूं की तो उन्होंने 1530 ईस्वी में सिंहासन संभाला तो उनकी पहली चुनौती हिंदुस्तान में अपने पिता बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की रखी नींव का विस्तार करने की थी। पर विस्तार तो दूर, 10 साल की अवधि पूरी होते ही शेर शाह सूरी ने उसे देश से बाहर खदेड़ दिया। 1555 में राजगद्दी पर हुमायूं पुनः काबिज तो हो गए पर सिंहासन का ये सुख वो ज्यादा दिन तक नहीं भोग पाए और 1556 में सीढ़ियों से गिरने की वजह से वो चल बसे। अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हुमायूं को इधर उधर भाग कर बिताना पड़ा। जितने साल तख्तो ताज हाथ में रहा किसी खास काम के लिए जाने नहीं गए। पर दोस्तों, मुकद्दर देखिए इस बादशाह की, जो जीते जी दर दर ठोकरे खाता रहा, उसके मरने के बाद उसकी याद में जो मकबरा बना वो किसी भी अन्य मुगल बादशाह के लिए बनाए मकबरों में सबसे आलीशान था। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं के निधन के 9 साल बाद सन 1565 में हुआ। पंद्रह सौ छप्पन में हुमायूं के निधन के बाद से ही इस मकबरे का काम शुरू हो गया था। 9 साल में तैयार हुए इस मकबरे को बनाने में करीब 15 लाख रुपए का खर्च आया था। इस मकबरे को तैयार करने के लिए विदेशों से खास तौर पर आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। इनमें अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और बाहर के कई बड़े आर्किटेक्ट शामिल थे। 30 एकड़ में बने इस मकबरे में कई लोगों की कब्रें हैं, लेकिन हुमायूं का मकबरा यहाँ का मुख्य स्मारक है। हुमायूं की कब्र के पास ही बेगम हमीदा बानो भी कब्र है। साथ ही यहाँ शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह की भी कब्र है। इसके अलावा यहाँ कई राज दरबारियों की भी कब्रें हैं। जब इस मकबरे का निर्माण किया गया तब यहाँ से यमुना साफ दिखाई देती थी, इस कारण यहाँ मकबरे का निर्माण किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल काल का पहला मकबरा होने के कारण बाकी सभी मकबरे इसकी तर्ज पर तैयार किए गए। यहाँ तक कि 7 अजूबों में शामिल ताजमहल भी इसी की तर्ज पर बनाया गया है। 1556 को हुमायूं की मौत के बाद उसके शरीर को सबसे पहले दिल्ली के पुराने किले में दफन किया गया। उसके बाद उसकी कब्र को खंजर बेग द्वारा पंजाब के शिरिंद लाया गया, क्योंकि उस समय हिंदू राजा हेमू ने मुगलों को हराकर आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कब्र को हिंदू राजा हेमू क्षति ना पहुंचा दे इसलिए उनकी कब्र के स्थान को बदला गया। उसकी कब्र को जब उसके पुत्र और तत्कालीन बादशाह अकबर ने 1571 में उसका मकबरा बना दिया। हुमायूं का मकबरा अकबर, हुमायूं की पत्नी और उसके मुख्य सलाहकारों के आदेश से 1566 में बनना शुरू हुआ। हुमायूं की एक अन्य पत्नी अर्णव देव रुखर ने भी मकबरा बनाने में सहयोग दिया। इस मकबरे को बनाने का सारा खर्चा महारानी बेगा बेगम ने किया था। जब हुमायूं की मौत हुई तो बेगा बेगम इतनी दुखी हुई कि उन्होंने भविष्य में अपना सारा जीवन दिल्ली की यमुना नदी के किनारे हुमायूं का स्मारक बनाने में लगाने का फैसला लिया। आईने अकबरी के मुताबिक मकबरे का निर्माण कार्य मक्का से लौटने पर बेगा बेगम की देखरेख में हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे को बनाने वाला वास्तुकार एक फारसी व्यक्ति मिर्जा
गयासुद्दीन को वर्तमान पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान से बुलवाया गया था। महारानी बेगा बेगम ने गयासुद्दीन को मकबरे की सबसे उत्तम डिजाइन बनाने के लिए नियुक्त किया, लेकिन दुर्भाग्यवश इस मकबरे के बनने से पहले ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके बेटे सैयद मोहम्मद ने अपने पिता की डिजाइन को पूरा कर इस मकबरे को पूरा किया। 17वीं से 19वीं सदी तक इस बाग को धीरे धीरे हुमायूं के वंशजों की कब्रों से भर दिया गया। कई मुगल शासकों को भी यहीं पर दफनाया गया। हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाने लगा। भारत में मुगल बादशाहों और उनके रिश्तेदारों की कब्रें और कहीं नहीं है। भारत में हुमायूं का मकबरा पहला बाग मकबरा है। दरअसल इस्लाम में स्वर्ग की व्याख्या में उनका सुंदर बगीचों के बीच होना बताया गया है। मकबरे की चारों दिशाओं में बागों के मध्य से निकलती नहरें कुरान में उल्लेखित जन्नत के नीचे बहती नदियों का प्रतीकात्मक निरूपण थी। लबे लुबाब ये कि जब भी बादशाह अल्लाह को प्यारे हों तो ऐसी जगह विश्राम करें जो कुरान में बताई गई जन्नत सरीखी हो। मुगल काल के प्रभाव के समय इस मकबरे के बागों का भी बुरा हाल हुआ। अंग्रेजों ने पहले तो यहाँ अपनी तबीयत वाले बाग बनाए, बाद में वापस इन्हें अपने पुराने रूप में परिवर्तित किया। दोस्तों, वीडियो के शुरू में हमने एक बात कही थी कि मुगलिया सल्तनत के बदकिस्मत बादशाहों में बहादुर शाह जफर का नाम था। 1857 के विद्रोह के कुचले जाने के बाद वो इसी मकबरे में पनाह लेने के लिए आया था और अंग्रेजों ने उसे यहीं पर पकड़ के रंगून रवाना कर दिया था। हुमायूं का मकबरा 7 मीटर के ऊंचे विशाल स्तंभों पर टिका हुआ है। इस इमारत का निर्माण लाल पत्थरों से बना हुआ है, जबकि कब्रों को पीले और काले संगमरमर से बनाया गया है। इस 2 मंजिला इमारत का शीर्ष सफेद फारसी संगमरमर गुंबद है जो गुरुत्वहीन नजर आता है। हुमायूं के मकबरे की ऊंचाई 47 मीटर और चौड़ाई 91 मीटर है। इसका नीचे का हिस्सा एक आयताकार निर्माण है जिसमें सुंदर मेहराब है। मुख्य कब्र ऊपरी हिस्से के बीच एक बड़े कमरे में बनी हुई है जिसमें पंक्तियों में धनुषाकार खिड़कियां बनी हुई हैं। मध्य कक्ष अष्टभुजाकार है जिसमें शाही परिवार के दूसरे सदस्यों की कब्रें हैं। बादशाह की असली कब्र तल घर में है। दिल्ली में बनी मुगलिया इमारतों पर गौर करें तो पाएंगे कि इन पर षष्ठकोणीय तारों का अलंकरण अवश्य बना रहता है। बू हलीमा, पश्चिमी द्वार या फिर मकबरे का मुख्य द्वार आप चित्र में दरवाजे पर बनी आकृतियों को देखकर लगा सकते हैं।